नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए एक नया एडिशन लेके आए हैं अपनी वीडियो में। आज हमें दिल्ली के चांदनी चौक में, और दिल्ली के चांदनी चौक में फिलहाल हम खड़े हैं पराठा वाली गली के बिल्कुल बाहर। ये पीछे जो आप देख पा रहे हैं जगह, ये है पराठा वाली गली चांदनी चौक, यानी कि पराठे बिकते हैं यहाँ पर। यहाँ के फेमस हैं पराठे, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और लोग यहाँ पर पराठे आकर के खाते हैं। इसी गली के अंदर अक्षय कुमार का ननिहाल का घर है। कुछ लोग कहते हैं कि अक्षय कुमार का घर है, लेकिन नहीं, वो अक्षय कुमार की ननिहाल का घर है, यानी कि उसके नाना और मामा जी का घर है। तो आइए अंदर देखते हैं आज पराठा वाली गली में कि अक्षय कुमार साहब का घर कहाँ पे है या उनकी ननिहाल है वहाँ के आसपास। देखते हैं कोई बता दे अगर, किससे पता करके देखेंगे कि वहाँ पर अक्षय कुमार जी का घर है या नहीं। चलिए आइए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको ना इस तरह का कुछ आउटफेस दिखेगा, और ये है पराठा वाली गली। यहाँ पर आज संडे है, संडे के दिन काफ़ी भीड़ भाड़ है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और फिलहाल हम पराठा वाली गली में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे आपको दोनों तरफ दिखेगी काफ़ी पराठे की वगैरह की दुकानें हैं। ये देखें यहाँ पर, ये लिखा है यहाँ पर बाबू राम देवीलाल पराठे वाले। और इसी जगह अक्षय कुमार पहले रहे हैं। एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें भी अक्षय कुमार ने एक पराठा वाली गली को दिखाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार पराठा बनाते हैं। और अक्षय कुमार पराठा बनाने के साथ साथ में वो चांदनी चौक टू चाइना में वो चाइना चले जाता है, पराठा की दुकान होती है उनकी मूवी के अंदर। यहाँ पे भैया नान कढ़ाई बेच रहे हैं, नान कढ़ाई को क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप काफी तो यहाँ पर हमें एक यूट्यूबर मिले जो यूट्यूबर कई फॉरेन से हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पराठा वाली गली में अक्षय कुमार साहब का घर कहाँ पर है। दोस्तों, पराठा वाली गली में हम जब आए तो हमें लगा कि शायद कोई छोटी मोटी मार्केट होगी, लेकिन यहाँ तो काफी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ज्वेलरी वगैरह की काफी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। देखें यहाँ पर एक पराठे की दुकान हो रही है, और ये बाबू राम पराठा के नाम से है। काफी बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर, और काफी छोटी छोटी स्टॉल वगैरह भी लगी हुई है। ये भैया कुछ अलग ही सामान बेच रहे हैं। भैया क्या बेच रहे हो? दौलत की चाट जी। दौलत की चाट, दौलत की चाट है इस फूड का नाम। यहाँ पर ये भैया ये दौलत की चाट बेच रहे हैं। भैया यहाँ पे अक्षय कुमार का घर भी है क्या कहीं आगे? आगे है। उनकी ननिहाल है या उनका खुद का घर है? ननिहाल है। भैया बता रहे हैं कि उनकी ननिहाल है यहाँ पर। और ये यहाँ पर इन आंटी जी का भी एक छोटा सा स्टॉल है, ये चाट वगैरह का है। यहाँ पे एक पान की दुकान भी दिखी हमें दूर दूर तक। हमें इन भैया की भी यहाँ पे दुकान है। इन भैया ने हमें बताया था अक्षय कुमार जी का घर कहाँ पर है। कहाँ पर है? सीधा चले जाओ लेना, लेफ्ट से आप जाएंगे राइट पर तीसरा चौथा घर पर। आपका शुभ नाम क्या है? लक्की। लक्की है भैया का नाम। और ये इनकी दुकान है ये वाली यहाँ पर, और ये चांदनी चौक में पराठा वाली गली में है। जी हाँ, चलिए भैया देख के आते हैं हम आगे। चलो आगे चलते हैं और हम देखते हैं अक्षय कुमार साहब का घर। एक पुराना घर है यहाँ पर, और पुराना घर होने के साथ साथ लोग बता रहे हैं कि उनका ननिहाल है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं अक्षय कुमार जी का ननिहाल को कि कहाँ पे है उनका ननिहाल। अक्षय कुमार जी का घर ननिहाल आ गई, ये बिल्कुल सामने इस गली में। तो ये एक छोटी सी गली है, यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा है और इसकी पहचान है यहाँ पे केला देवी के नाम से कुछ दुकान है एक। और ये है यहाँ पर पराठा वाली गली के अंदर एक घर। भैया अक्षय कुमार जी का घर यही है आगे है। वो भी ऐसा ही है ना देखने में कुछ इस तरीके का जी। जी मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने है। उनका ननिहाल है या उनका खुद का घर है यहाँ पर? ननिहाल है, नानी का घर है। उनकी नानी का घर है। तो अभी बंद पड़ा होगा या खुला होगा? रहते नहीं है यहाँ पर। तो ये भैया बता रहे हैं कि वे यहाँ पर रहते नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार जी का ननिहाल है ये कंफर्म है। तो दोस्तों, आज संडे होने की वजह से ये मार्केट बंद है यहाँ पर, और दोनों तरफ आपको फिलहाल ये दुकानें बंद दिखाई दे रही है। शायद ये ज्वेलरी की दुकानें हैं यहाँ पर, इसलिए बंद है। फूड वगैरह की दुकानें तो काफी खुली है, लेकिन जो वैसी दुकानें हैं ज्वेलरी वगैरह की वे बंद है। ये मंदिर है यहाँ पर, ये वाला मंदिर है, और हमें बताया गया था बिल्कुल इसके जस्ट सामने है। फिलहाल हम भगवान शंकर जी के दर्शन कर लेते हैं। ये पे यहाँ पे भगवान शंकर जी का घर है, और शायद यही वाला घर हो सकता है अक्षय कुमार जी के ननिहाल का घर। तो यहाँ पे एक भैया मिले हैं। भैया आपका नाम क्या है? साजन कुमार। अक्षय कुमार कह रहे हैं भैया, और इनका एक दुकान है यहाँ पर। इनकी दुकान है श्री बालाजी कलेक्शन के नाम से, और ये भैया की दुकान है, और इनके सामने ही ये वाला घर अक्षय कुमार का है। भैया यहाँ पे अक्षय कुमार जी रहते थे पहले या ननिहाल है उनका? नानी का रहता था। उनके नानी रहते थे। अभी यहाँ कौन रहता है फिलहाल? किरायेदार रहते हैं। रेंट पे रहते हैं किरायेदार फिलहाल इस घर में, कोई रेंट पे रहते हैं। तो मैं आपको ऊपर तक दिखा रहा हूँ ये घर, और यहाँ पे जहाँ एसी लगी है ना ऊपर, इस वाले मकान में अक्षय कुमार साहब रहते थे। और वो अपनी जब भी नाना या अपनी मामा के यहाँ पे आते थे तो इसी जगह पे रहते हैं। और ये है कुछ मार्केट यहाँ का आसपास का जो इंटरफेस है, ये है
तो ये गली है पूरी अक्षय कुमार जी के ननिहाल की, जो कि पराठा वाली गली में है। तो दोस्तों ये था यहाँ पर अक्षय कुमार साहब का घर, जो आज की डेट में बॉलीवुड एक्टर हैं और काफी बड़े एक्टर हैं। सबसे ज्यादा मूवीज उनकी साल में हमें देखने को मिलती है, कई सारी मूवीज उनकी आती रहती हैं। तो दोस्तों ये है अक्षय कुमार जी का घर, और ये भैया बता रहे थे कि वो इनके नाना और मामा जी का घर है, ठीक है। तो ये है पराठा वाली गली में, और ये वाला मकान है ऊपर तक, और जो अक्षय कुमार जी का ननिहाल था वो इस वाले पार्ट में है जहाँ पे एसी लगी हुई है ना ऊपर, वो यहाँ पर रहा करते थे। तो दोस्तों ये है अक्षय कुमार जी का ननिहाल, फिलहाल हम बिल्कुल उसके बाहर खड़े हैं। और उनकी एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें भी उन्होंने पराठा वाली गली का काफी कुछ दिखाया था, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये घर है अक्षय कुमार जी का ननिहाल का घर। काफी लोग कहते हैं कि अक्षय कुमार जी का खुद का घर है ये, लेकिन ये खुद का घर नहीं है, उनका ननिहाल है। इसके बिल्कुल जस्ट सामने मंदिर है, और मंदिर फिलहाल मैं आपको ऊपर तक दिखा रहा हूँ, ये वाला मंदिर है, ये वाली गली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये अक्षय कुमार जी के ननिहाल के घर की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।